मैंने अभी अभी WCC 2 की नई अपडेट जो थी उसको अपडेट किया, अपना जो रुपया था उसमें आग लगाई, और अभी मैं WCC 2 को जब रिकॉर्ड करने बैठा था मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। क्यों? मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट हो चुका था इतना सब काम करने से, और तो और इसमें स्टोरेज भी नहीं था कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर सके। तो फिर से बिना ना चाहते हुए भी वॉइस ओवर वाला वीडियो देना पड़ रहा है एक पुरानी गेम प्ले के साथ। पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या अपडेट वाला ये सिलसिला करना चाहिए या नहीं। वैसे सच्ची सच्ची बताऊँ शॉर्ट में तो भाई इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, करना तो चाहिए। अब क्या उसमें दिक्कतें मुझे आई थी जो कि आपको भी आ सकती हैं वो मैं पहले एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो पहली दिक्कत इसमें जो कि आएगी, आपका पैसा बहुत ज़्यादा लेता है यार। मतलब इतना पैसा तुमसे ले रहा है, उसके बाद तुम लोगों को कैसा आउटपुट निकल के आता है? देखो भाई, अगर तुम लोग महंगी वाली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम लोगों को ऐड तो नहीं मिलेंगे, अगर तुमने छोटी वाली ली है और ऐड मिल रहे हैं भाई तो फिर तो भाई तुम्हारा गेम प्ले का एकदम ख़त्म हो जाना है, क्योंकि गेम प्ले बहुत बुरा निकलेगा यार। बार बार हर ऐड आएंगे और 30 सेकंड के दो दो बार ऐड आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐड वाले। तो बना तुम लोगों को ऐड हटाने आप लोगों के फ्री में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियो छोड़ दिया है जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरीके से फ्री में ऐड को हटा सकते हो, और ये बिल्कुल वर्किंग ट्रिक थी विदाउट फेक। तो जाकर देख सकते हो वाला वीडियो, इस वीडियो के बाद देखना, ठीक है? और नेक्स्ट पता है इसमें क्या दिक्कत आती है यार? एक सबसे मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी, WCC 2 यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेम था यार, मैच्योर गेम था, बट इसमें यार पैसे के लिए ऐसी अपडेट दे दी यार, मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे अगर ये अपडेट क्विक मैच में आ जाती है तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी अपडेट होगी, इसमें इंजरी है, प्रैक्टिस है, बहुत कुछ है। पर यार दिक्कत ये है कि ये पैसे में अपडेट है यार, और पैसा हर किसी के पास नहीं होता है ना। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग तो आराम समझ गए होंगे, वो पिछले वीडियोज़ देख के खोल भी चुके होंगे इस अपडेट को फ्री में। पर दिक्कत पता है यहाँ कि यार मुझे तो इसे खोलना था, पर इसने पैसा फूकने के बाद मैं इसको खेल भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन लैग बहुत करता है। तो लैग वाला वीडियो भी मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, हुआ था लग गया। तो पर दिक्कत यार मुझे पता है इसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो यही है कि यार तुम लोगों के पास अगर अच्छा मोबाइल डिवाइस नहीं है, अच्छी गेम प्ले नहीं निकलती है, तो भाई मत ही खरीदना इसको, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। इतने अच्छा गेम ग्राफिक्स के साथ खेलने का चलेगा नहीं तो क्या ही फ़ायदा है। दूसरी चीज़ यार मुझे इसमें लगती है जो कि साइज़ अगर थोड़ा सा कम होता इस अपडेट का तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट क्या करें, अपडेट करने के बाद तो गेम और लैग करता है। अगर आपके पास 2 से 3 GB वाला डिवाइस है जैसे मेरी तरह, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मत करो यार अपडेट, पुराने वर्जन में खुश रहो यार। काय को स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे डालोगे तो दिक्कत होगी। अगर आपके पास जैसे मेरे पास दूसरा फ़ोन है सैमसंग A30s, वो करना चाहोगे तो तुम कर सकते हो अपडेट, एंड पैसा भी भूख लो क्योंकि ग्राफिक्स काफ़ी तगड़े हैं। अब आपके हिसाब से होता है, अगर आपके रुपया है तो आप लोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा गेम प्ले निकल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और अगर ऐड रिमूव हो जाते हैं तो भाई माशाल्लाह क्या ही गेम प्ले है। पर अगर ये मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज़ें नहीं है उसके बाद करने जाओगे तो भाई बहुत बुरा गेम प्ले निकलेगा, साथ ही साथ ऐड इतने आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है करने का। बट अगर आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझाऊँ कि अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग अपडेट मत करो। देखो सबसे बढ़िया बात है, बिना अपडेट किए भी ये फीचर जो है क्विक मैच में आने ही वाले हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, WCC 2 ने वर्ल्ड कप अभी चल रहा है इसलिए वर्ल्ड कप में दे दिया, बाकी ये फीचर अभी क्विक मैच के अंदर भी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। तुम लोग से वेट करो, जैसे IPL और वर्ल्ड कप वाली मैं अपडेट जो आपको देता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ये शॉर्ट वीडियो था, एक तरह से ज़्यादा शॉर्ट नहीं आएंगे, 3 मिनट का तो है ही है। तो आप लोगों को यहाँ मैंने बता दिया आपको करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है। जय बोलना, ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।